दोस्तों, क्या आप भी अपने आप को दूसरों से कम आंकते हैं? कई लोगों से मैं अपने जीवन में मिली तो मैंने ये पाया कि हर कोई कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी चीज से तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता ही करता है। तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या कोई और तर्क देना चाहेंगे? जैसे नहीं तो ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, मैं क्या किसी से कम हूँ, मैं क्या किसी से कम सुंदर हूँ, वगैरह वगैरह। बट सीरियसली बताना, तो क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पल आया जब आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हुए? आया तो होगा, पर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप मुझे बताओ उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिर कैसे ऐसी सोच को अपने दिमाग में आते ही रोक दिया जाए, बल्कि यूं कहा जाए कि वापस भेज दिया जाए। चलिए मान लेते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम मेरी बताई गई बातों से जरा अलग हो सकती है, पर जो सलूशन मैं आपको बताऊंगी आगे वो आपके वैसे ही काम आने वाली है जैसे कि और सबके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि क्या अपने आप को दूसरों से कम या ज्यादा समझना सही है या गलत। दोस्तों, कई बार आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि मुकेश अंबानी इतना अमीर है तो अमीर कैसे है, मेरे पास इतना पैसा क्यों नहीं, मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं ये कर पाता, मैं वो कर पाता, काश काश काश, ऐसा तो जरूरी सोचते होंगे आप। तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। आज की वीडियो में आप जान पाओगे कि इस तरीके के सोचने से आपके जीवन में किस तरीके के बदलाव आएंगे। मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसी के पास में एक बेल का आइकन यानी कि घंटी का निशान दिख रहा है उसको प्रेस कर लीजिए और सेलेक्ट ऑल दबा लीजिए। तो दोस्तों, आगे ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक कौवा था, उसे अपना काला रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ठीक वैसे ही जैसे बहुत सारे लोगों को अपने काले रंग से दिक्कत होती है, या सांवला कह दीजिए, सांवले रंग से दिक्कत होती है। उसे लगता था कि उसके रंग की वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता। आज वो कुछ ज्यादा ही परेशान था, तभी कौवे ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। कौवा ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ था और वहीं नीचे एक साधु बाबा बैठे हुए थे। साधु बाबा के मुंह पर उसके आंसुओं की बूंद गिरती है। साधु ने ऊपर की ओर देखा और कौवे से पूछा कि तुझे क्या परेशानी है, तू क्यों रो रहा है? कौवा बेचारा और जोर जोर से रोने लगा और बोला, रोना तो और क्या करूं, मैं यूजलेस हूं, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, कोई मेरे पास नहीं आता, सब मार मार के भगा देते हैं मुझे, किसी को मेरा काला रंग भी अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि किसी को मेरी आवाज तक पसंद नहीं आती, और मैं पूछा भी जाता हूँ तो कब, केवल श्राद्ध के दिनों में, जब लोग अपने ही पूर्वजों के प्रकोप से बचने के लिए मुझे खाना खिलाने का सोचते हैं, इसके अलावा मैं किसी के काम का नहीं हूँ। तो साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कौवे से कहा, अच्छा बता, अगर तुझे एक और मौका मिले तो तू क्या बनना चाहेगा, चल मैं तुझे वही बना देता हूँ। तो कौवा थोड़ा सा खुश हुआ और रोना धोना छोड़कर बोला, साधु बाबा ऐसा करो, आप मुझे हंस बना दो, वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है, सफेद कोरे रंग का जब मैं हो जाऊंगा ना तो मुझे सब पसंद करेंगे। साधु ने कहा कि ठीक है, तू आज हंस बन जाएगा, पर उससे पहले एक बार जा किसी हंस से जरा मिलकर तो आ और फिर मुझे आकर बताना। कौवा चल दिया और एक तालाब की ओर गया, वहां उसे एक हंस दिखा। तो उसने हंस से पूछा, हंस भाई आप तो बहुत खुश रहते होगे, आपकी जिंदगी तो एकदम मस्त होगी, तुम इतने सुंदर जो दिखते हो। तो हंस बोला, मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, तुमसे किसने कहा कि मैं खुश हूं, मेरा जो ये सफेद रंग है ना जिसे तुम सुंदर बता रहे हो, ये सफेद रंग किसी के मरने के बाद इस्तेमाल किया जाता है, और लोग मेरी तस्वीर खींचते हैं, मेरा रंग और पानी का रंग बिल्कुल एक सा हो जाता है, पता ही नहीं चलता कौन किसकी फोटो खींच रहा है। ये सब सुनकर कौवा तो और भी ज्यादा टेंशन में आ गया और उसे लगा कि ये तो गलत हो गया। तो कौवा और हंस दोनों ही साधु के पास जाते हैं। हंस ने कहा कि बाबा मुझे भी बदल दो, ऐसा कुछ करो कि मैं भी खुश हो जाऊं, आप ऐसा करो मुझे तोता बना दो, सुंदर रंग होता है इसका, नुकीली चोंच होती है, क्या मीठी बोली होती है और सब उसको पसंद करते हैं, तो आप ऐसा करो मुझे तोता ही बना दो। साधु ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे तोता बना देता हूँ, पर उससे पहले तू जा किसी तोते से मिलकर आ। दोनों तोते के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, तोते भाई तुम्हारा जीवन तो बहुत मस्त कट रहा होगा,
इतने सुंदर जो दिखते हो, तुम तो उड़ भी सकते हो, बोल भी सकते हो और लोग तुम्हें पालते भी हैं। तोता बोला, तुमको किसने बोला कि मैं खुश हूं? दोनों ने पूछा कि क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? तो तोता बोला, ये भी कोई रंग है, मेरा रंग और मैं जिस पेड़ पर रहता हूँ उसका रंग तो बिल्कुल सेम है, एक जैसा है, किसी को पता ही ना चले कि कौन सा तोता है और कौन सा पेड़ है, मेरा रंग हरे रंग में मिल जाता है। अब तीनों बेचारे परेशान के परेशान बाबा के पास जाते हैं और इस बार तोता अपने को बदलने को कहता है। साधु कहता है, ठीक है बता तू क्या बनना चाहेगा? तो तोता बोला, आप मुझे मोर बना दो, कितना सुंदर दिखता है, सब उसे पसंद करते हैं, उसके प्यारे प्यारे पंख होते हैं। तो साधु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम तीनों को ही मोर बना देता हूँ, पर उससे पहले तुम जाओ किसी मोर से मिलकर आओ, फिर मुझे बताना। अब ये सभी मोर के पास जाते हैं और मोर से कहते हैं, वाह क्या जीवन पाया है तुमने, इतने खुश रहते होगे तुम, और क्यों ना हो, तुम इस देश के राष्ट्रीय पक्षी हो और तुम्हारा डांस सब कितना पसंद करते हैं, और तुम जब नाचते हो तो बारिश होने लगती है, मौसम सुहावना हो जाता है। मोर ने दुखी मन से कहा कि मैं खुश नहीं हूं। तीनों ने उसके नाखुश होने की वजह पूछी तो उसने कहा, अभी थोड़ी देर में कोई शिकारी आएगा और जिन पंखों की तुम तारीफ कर रहे हो, सुंदर बता रहे हो, उन्हें नोच कर ले जाएगा, पता नहीं कहां कहां जाकर बेच देगा। अब चौंक जाते हैं। अब कौवा मोर से पूछता है कि हम सब तो तुम्हारे जैसा बनना चाहते थे, तो अपना ही दुखड़ा सुनाने लगे, अब तुम ही बताओ, हम सब के सब नाखुश हैं, हमें क्या बनना चाहिए? मोर ने कहा कि तुम तो बड़े खुश हो। तो कौवा चौंक गया, बोला, हैं वो कैसे? तो मोर ने कहा, तुमने कभी मटन बिरयानी सुनी है? कौवे ने कहा हाँ। तुमने कभी चिकन बिरयानी सुनी है? कौवे ने कहा हाँ। मोर ने कहा, तुमने कभी कौवा बिरयानी सुनी है? तो कौवे ने कहा, नहीं। तो तुम्हें कोई मार डालेगा, तुम्हें किसी से मरने का डर है? कौवे ने कहा, नहीं। तो मोर बोला, जब तुम्हें किसी से कोई खतरा ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है, तो केवल रंग के चक्कर में तुम इतनी बढ़िया जिंदगी को बदलना चाहते हो? तो दोस्तों, पंछियों ने क्या गजब की सीख दी कि कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, बस यही गलतियां हम इंसान करते रहते हैं। तो आज से दूसरों के जीवन से अपने जीवन को कंपेयर करना बंद कर दो यार। तुम जो हो सबसे बेस्ट हो, सबसे सुपर हो। बिलीव इन योर सेल्फ एज यू आर, कीप लविंग योर सेल्फ एंड कीप लविंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।